अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम सुना हो शायद आपने, उसी से मैंने एमटेक किया है। एमटेक करने के बाद इसी तरीके से पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ। आपको पता है इलेक्शन का समय है और इस इलेक्शन के समय में तमाम नेता आपके पास आएंगे, आपके पैर छुएंगे, माताओं की, बहनों की वोट मांगेंगे, कोई किसी के नाम पर, कोई जाति के नाम पर और कोई धर्म के नाम पर। और वोट मांगने के बाद होता क्या है, जैसे क्षेत्र जिस हालत में था उसी हालत में रहता है। चलिए, आपने कभी चार पांच बातों को मैं लेकर के प्रत्येक गांव में जा रहा हूं, अगर हम बात करें आज आजादी को 75 वर्ष हो चुके हैं और 75 वर्ष के बाद यदि हम पूरे क्षेत्र में घूमे, लगभग अगर मैं दुबई विधानसभा की बात करूं तो 4.5 लाख लोग इस दुबई विधानसभा में रहते हैं, 4.5 लाख लोग। लेकिन और समय हो गया 75 वर्ष आजाद हो, तो हमारे क्षेत्र में ऐसा क्या है और कौन सी ऐसी आवश्यकता जो होनी चाहिए वो नहीं हुई है। अगर आप देखें हमारा ये जो क्षेत्र है वो एनसीआर रीजन में लगता है, मतलब दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को एनसीआर रीजन बोलते हैं। जैसे मेरठ है, मुजफ्फरनगर, बागपत, नोएडा, आपका गाजियाबाद, उसी प्रकार आपका बुलंदशहर है। लेकिन यदि आप पूरे बुलंदशहर में जाकर के देखते हैं, घूमते हैं पूरे क्षेत्र में, तो आपको ऐसा लगेगा कि भी हमारा देश आजाद नहीं हुआ, हमारा क्षेत्र उसी तरीके से पिछड़ा हुआ है जैसा पुराने समय में रहता था। और आज भी किसी के जीवन में बहुत बड़े बदलाव नहीं आए। मैंने अभी बताया था यदि यहाँ पर कोई सड़क दुर्घटना हो जाए या यदि कोई महिला गर्भवती हो, समय है लेकिन अगर आपको जाना है तो आप सबसे पहले कहाँ जाते हैं, अलीगढ़। कोई सड़क दुर्घटना हो जाए या थोड़ी सी बीमारी बढ़ जाए तो तुरंत कहाँ जाते हैं, अलीगढ़। और कई बार मैंने बताया था, कई बार ऐसा होता है कि हम अलीगढ़ जा रहे हैं और कई गर्भवती महिला रास्ते में ही दम तोड़ देती है, जाती है। तो कई बार ऐसा होता है जिसकी सड़क दुर्घटना हुई है वो पीड़ित है और रास्ते में ही दम तोड़ देता है। कितनी बार ऐसा हुआ है और होता जा रहा है। सोचिए आपके 4.5 लाख लोगों की आबादी के क्षेत्र में एक भी अच्छा अस्पताल क्यों नहीं है। कभी हमने विचार किया कि उस पूरे क्षेत्र में एक भी अस्पताल ऐसा नहीं है जहां पर हम जाकर के इलाज करा सके। इस वर्ष, पिछले वर्ष आपने देखा होगा कि डेंगू की जो बीमारी थी हर गांव में फैली हुई थी, प्लेग्स गिर रही थी, मलेरिया हो रहा था और प्रत्येक घर में से कोई ना कोई बीमार था। और जब प्लेग्स गिर रही थी तो एक एक व्यक्ति ने अपनी जो जमा पूंजी है, जो धान की खेती है या फिर बाजरा की खेती है, इलाज में लगा दी। और एक छोटे छोटे से जो क्लिनिक है उन लोगों क्या किया, 20-20 लाख रुपए एक एक सीजन में कमाए, उनके लिए तो वो सीजन था। लेकिन कभी आपने सोचा कि आपके भीमपुर दराये पर 100 सैया का बेड है, अस्पताल है 100 सैया का, लेकिन कोरोना के समय में उसमें इलाज हुआ, कोरोना के पेशेंट उसमें रखे गए, उसके बाद वो बंद है, उसमें इलाज नहीं मिलता। उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा कोई कुत्ता काट लेता है तो उसी के इलाज होते हैं, और कुत्ता काटेगा भी इंजेक्शन कम लगता है यदि कोई जैक लगे तो। ऐसे आपको इलाज नहीं मिलेगा, जब जैक लगेगी तब जाकर उसमें वो कुत्ता काटेगा, इंजेक्शन लगेगा। दूसरी बात मैं कहता हूं कि आपके 4.5 लाख लोगों की आबादी में इस क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ते हैं वो हाई स्कूल, इंटर, तो आपके कुबेर इंटर कॉलेज, चेतरा महिला इंटर कॉलेज या सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज से, या फिर ये दानपुर का जो कॉलेज है जनता इंटर कॉलेज, इससे पढ़ लेते हैं। इसके बाद यदि उनको आगे पढ़ना हो तो कहाँ पर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, या तो अलीगढ़ जाएंगे या मेरठ जाएंगे या फिर गाजियाबाद जाएंगे या फिर दिल्ली जाएंगे। कभी आपने विचार किया कि आज हमारे इस पूरे क्षेत्र में एक भी राजकीय महाविद्यालय क्यों नहीं है, एक भी आपके इस पूरे क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय नहीं है। बात करता हूं मैं, जैसे अलीगढ़ में एक राजकीय पुस्तकालय है, 84,000 किताबें हैं, बच्चे सुबह जाते हैं पढ़ने वाले और शाम तक उसी में जाकर के पढ़ते हैं, खाना लेकर के जाते हैं और उसी से पढ़ करके IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में कोई बच्चा यदि जाना चाहे तो यहाँ 500-600 रुपए में
प्राइवेट लाइब्रेरियां खुल रही है उन्हीं में जाकर के पढ़ता है, और एक नहीं है 10 ऐसी लाइब्रेरी खुल चुकी है। तो इसका मतलब डिमांड है, लेकिन लाइब्रेरी या पुस्तकालय नहीं खुलेगा। क्षेत्र में बच्चे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन राजकीय महाविद्यालय नहीं खुलेगा। आपके इस पूरे क्षेत्र में एक भी खेल कूद का मैदान, यानी कोई आपका कोई मैदान हो पूरे क्षेत्र में, कोई एक स्टेडियम हो तो आप बता सकते हो, पूरे क्षेत्र में एक भी खेल कूद का मैदान नहीं है। और यदि आप बात करें, और इस समय तमाम माताएं बहनें बुजुर्ग इस समय खेतों की रखवाली कर रहे हैं, किनसे? आवारा पशुओं से। तभी आपने विचार किया कि इस पूरे क्षेत्र में क्या गौशाला ऐसी है जहां पर हम जाकर के अपनी जो गाय है उनको जाकर के वहां पर रख सकते हैं। आज प्रत्येक खेत में घेराबंदी लगी हुई है, कटीले तार लगे हुए हैं, रस्सी लगी हुई है, और आपको पता है एक साल में दो साल में बर्बाद हो जाती है, फिर से घेराबंदी करनी पड़ती है। तो आप देखें, अब बात करेंगे नेताओं की। यहाँ पर नेता आते हैं समाजवादी पार्टी से भी, बसपा से भी, भाजपा से भी, आपने सभी को जिता दिया, जिताया आपने सभी को, लेकिन जीतने के बाद सिर्फ अपनी जेब भरते हैं, उसके बाद में पूरा क्षेत्र जिस बदहाली में जीता है उसी में छोड़ देते हैं। यदि आप अपने विधायकों से या सांसदों से 10 साल हो चुके हैं, अपने गांव में या आसपास के क्षेत्र में जो काम हुआ है तो पूछ के देखो, पूछिए कि आपके इस क्षेत्र में 10 साल में क्या किया, क्या प्राइमरी जो स्कूल है उनकी हालत सुधारी, या एक भी राजकीय महाविद्यालय लाए, एक भी राजकीय पुस्तकालय लाए, एक भी खेलकूद का मैदान लाए, या गांव की सड़कें अच्छी की? ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। आपके अलीगढ़ से लेकर के बरेली तक 3 ट्रेनें चलती हैं, 3 ट्रेनें, कौन कौन सी? अलीगढ़ बरेली। कभी आपने विचार किया कि आपके क्षेत्र से नोएडा के लिए, दिल्ली के लिए, गाजियाबाद के लिए, मेरठ के लिए, आगरा के लिए आपकी जो ट्रेनें हैं क्यों नहीं चलती? यदि चलने लगे तो इस क्षेत्र से क्या क्या लाभ हो सकते हैं? कभी आपने विचार नहीं किया, क्योंकि गांव गांव में अनाज पैदा होता है, गांव गांव में दूध बनता है, और उसके बाद भी यदि वहां से ट्रेनें चलने लग जाए तो आप क्या कर सकते हैं, जो दूध है आपका वो नोएडा दिल्ली सप्लाई कर सकते हैं, जैसे हरियाणा करता है, जैसे बागपत करता है, जैसे मुजफ्फरनगर करता है, और उससे उनकी आमदनी सुधरी है। लेकिन हमारे क्षेत्र में यही 35 रुपए और यही 30 रुपए लीटर दूध बिकता आया है। नहीं, आपके पूरे क्षेत्र में एक भी ऐसी फैक्ट्री है जहां पर जाकर के कोई रोजगार पाले, पूरे क्षेत्र में एक भी फैक्ट्री नहीं है। तो किसके लिए हम इन नेताओं को चुनते हैं, आप बताइए? 5 वर्ष के लिए हम चुनते हैं तो वो नेता हमारे लिए क्या करते हैं और वो क्यों नहीं करते, इसके पीछे कारण सिर्फ एक है, क्योंकि हम कभी भी सवाल नहीं पूछते। सबसे बड़ी कमी हमारी यही है कि हम कभी सवाल नहीं पूछते कि आपने 5 वर्ष में हमारे बच्चों के शिक्षा के लिए क्या किया, कभी हम सवाल नहीं पूछते। इसलिए नेता आते हैं, जब इलेक्शन होता है तो आप सबके पैर छूते हैं, और जीत जाते हैं तो हमारे बुजुर्ग उल्टे उनके पैर छूते हैं, और वो ऐसे चलते हैं, सड़कों से ऐसे गुजरते हैं, गाड़ियां फनफन आती जाती है, धूल उड़ाती हुई जाती है, और ऐसा लगता है कि उन्होंने क्षेत्र का चमन बना दिया, बहुत अच्छा कर दिया काम। लेकिन आप पूरे क्षेत्र में घूम कर देखिए, आज आपके क्षेत्र में ऐसा कुछ काम नहीं हुआ जिसको आप कह सके कि आपके क्षेत्र में ये विकास के कार्य हुए हैं। आज किसान परेशान है, आज महिलाएं परेशान है, आज आपके बच्चों का जो भविष्य है वो दांव पर है, क्योंकि मैं जानता हूँ वो बुजुर्ग है उनका तो समय जा चुका है, वो माता है उनका भी समय जा चुका है। सवाल पैदा होता है इन आने वाली पीढ़ी का, इन बच्चों का सवाल, इनके भविष्य का है, और यदि हमने इनसे सवाल नहीं पूछा तो आने वाले समय में हमारे जो बच्चों का जो भविष्य है वो इसी प्रकार से खेती मजदूरी करते रहेंगे, और गांव गांव में आपने देखा सुनका या बीड़ी सिगरेट दारू इन बुरी आदतों में फंसते रहेंगे।
और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे क्षेत्र में अच्छे पुस्तकालय अच्छे विद्यालय ना खुले। तीन चीजों की आवश्यकता होती है, बस सिर्फ तीन चीजों की। अगर किसी क्षेत्र को या किसी देश को विकास चाहिए तो तीन चीजें बस मुख्यतः प्रोवाइड कर दें, दे दें इस क्षेत्र को। पहली शिक्षा, सबसे जरूरी चीज है शिक्षा, अगर पूरे क्षेत्र में अच्छी शिक्षा मिल जाए। और दूसरा प्रशिक्षण, इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए। यदि कोई कार का मैकेनिक बनना चाहता है या कोई सिविल का डिप्लोमा करना चाहता है, यदि कोई इलेक्ट्रिकल से पढ़ना चाहता है या कोई कंप्यूटर साइंस से पढ़ना चाहता है तो उसको प्रशिक्षण मिल जाए। तीसरा उसके स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं बन जाए। ये तीन चीज यदि क्षेत्र को मिलने लगे तो क्षेत्र या देश विकसित हो सकता है। और जापान एक समय ऐसा था जब उसके हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम छोड़े गए तो पूरा बर्बाद हो चुका था, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ तीन चीजों पर काम किया, शिक्षा प्रशिक्षण और तीसरा आपका स्वास्थ्य। तीन चीजों पर काम किया और आज देख लीजिए कि आज जापान विकसित देश है और हमारा भारत देश कहां पर है। और भारत देश को छोड़िए, आपका क्षेत्र की बात करें तो हमारा क्षेत्र कहां पर है। क्या आज एक बच्चों को पढ़ाना इतना आसान हो गया है? जिनके पास पैसा है वो भेज सकते हैं दिल्ली जाकर के तैयारी कर सकते हैं, वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन सोचिए जो खेती किसानी करते हैं उनके कितनों के बच्चे बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में या बड़े बड़े कोचिंगों में या IFPCS की तैयारी कर रहे हैं। बताइए आप लोगों में से, बताइए या आप लोगों के इस गांव में से कितने पहलवान हैं या कितने तीरंदाज हैं, कितने बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, कितने कुश्ती के खिलाड़ी हैं, कितने क्रिकेटर हैं, आप बताइए क्यों नहीं है? कारण सिर्फ एक है, क्योंकि हमारे पूरे क्षेत्र में एक भी खेलकूद का मैदान नहीं है। सिर्फ कारण एक, तो खेलकूद का मैदान यदि होता तो उनको प्रशिक्षण मिलता, क्रिकेटर होते, बैडमिंटन के खिलाड़ी होते, कुश्ती के खिलाड़ी होते, लेकिन हमारे क्षेत्र में खेलकूद का मैदान न होने के कारण हमारे क्षेत्र में खिलाड़ी नहीं पैदा होते, न कोई ओलंपिक में जीत करके आता। और वही बात करें हरियाणा की, हरियाणा के प्रत्येक घर में पहलवान है, बैडमिंटन का खिलाड़ी है, क्रिकेटर है, तीरंदाज है, रेसर है, लेकिन हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं है? कारण सिर्फ यही है। सिर्फ कारण क्या है? खेलकूद का मैदान नहीं, शिक्षा के विद्यालय नहीं, अस्पतालों की व्यवस्था नहीं। वोट हम यहाँ पर देते हैं इलाज के लिए, अलीगढ़ भागते हैं। वोट हम यहाँ देते हैं पढ़ने के लिए, अलीगढ़ दिल्ली गाजियाबाद जाते हैं। तो आप पूछ के देखिए और कहिए नेताओं से, क्या वोट हम अलीगढ़ ही जाकर दें? यह हमारे क्षेत्र की राजधानी अलीगढ़ है क्या? हमारे क्षेत्र में आज तक इन चीजों का जो आमान है वो क्यों पूरी नहीं हुई? आज हमारे गांव की हालत देखिए, और इस तरीके से अगर चलता रहा तो आने वाले समय में हमने पहले मुगलों की गुलामी की, उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी की, और आज हम नेताओं की गुलामी कर रहे हैं। कोई सवाल पूरे क्षेत्र से नहीं पूछता कि आपने हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या किया। और जिस दिन सवाल पूछते हैं तो उसी दिन इस क्षेत्र में विकास होगा, होगा और होगा, यदि हम सवाल पूछे, क्योंकि हम इनको चुनते हैं और ये लोग अपनी जेब भरते हैं। आपको पता है नरोरा परमाणु केंद्र कितना किलोमीटर है यहाँ से? 15। कितना? 17-18। और नरोरा परमाणु केंद्र का ये नियम कहता है कि 16-20 किलोमीटर क्षेत्र में बिजली फ्री होनी चाहिए, लेकिन क्या है, 1990 में वो परमाणु केंद्र बना था और 1990 से आज तक भी इस परमाणु केंद्र का कोई भी लाभ हमारे क्षेत्र को मिल रहा है तो बताइए? नहीं मिल रहा, ना बिजली फ्री है। आवाज उठती है और आवाज उठती है उन नेताओं को बुला लिया जाता है नरोरा, और नरोरा में बैठ करके सेटिंग होती है और जेब भर ली जाती है, और वही नेता इस क्षेत्र को छोड़कर बुलंदशहर, गाजियाबाद, दिल्ली व मेरठ में जाकर के बस जाते हैं, इस क्षेत्र को छोड़ देते हैं। पैसा आज भी नरोरा से मिल रहा है और वो किन की जेबों में जा रहा है आप भी बाकी जानते हैं। और जबकि हरियाणा के हिसार में भी
परमाणु केंद्र है, लेकिन वहां के लोग जागरूक है, वहां के लोग सवाल पूछते हैं, वहां के लोग नेताओं को गांव में घुसने नहीं देते। यदि उन हिसार में जो परमाणु केंद्र है उसकी बिजली 15 से 20 किलोमीटर क्षेत्र में फ्री मिलती है, क्यों? क्योंकि वहां के लोग जागरूक है, वहां के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं भी परमाणु केंद्र करता है। यह नियम है परमाणु केंद्र का कि वो स्वास्थ्य की सुविधाएं भी 15 से 20 किलोमीटर क्षेत्र में करेगा, बिजली फ्री देगा, शिक्षा के केंद्र खोलेगा, लेकिन ये कुछ नहीं करता और उसका हमें हानि है। हमें क्या हानि है? क्योंकि परमाणु केंद्र में रेडियोएक्टिव पदार्थ निकलता है और उसके कारण जब वो जल में मिलता है तो क्षेत्र बंजर होता है, जो पशु है वो गर्भ धारण नहीं कर पाते, बच्चों में विकलांगता बढ़ती है, कुपोषण बढ़ता है, ये हमारे क्षेत्र में बीमारी फैलती है। और यदि आपको याद हो तो एक समय परमाणु केंद्र में एक बार गड़बड़ी हुई थी और वहां से लोगों को पलायन करके आसपास के गांव में बसाया गया था और मेरे गांव नगरखेड़ा नगराखेड़ा में भी 250 से 300 लोग आकर के बसे थे। क्यों बसे थे? क्योंकि इस क्षेत्र में परमाणु केंद्र है, कभी कोई घटना हो जाए तो क्या करेंगे हम लोग, इसलिए हम ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं, इसलिए हमको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, इस पर हमारा हक है, लेकिन हमें नहीं मिलता क्योंकि हम सवाल नहीं पूछते। सवाल क्यों नहीं पूछते? क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है और शिक्षा के अभाव के कारण आज हमारे जो बच्चे हैं वो अलग अलग गलत संगतों में फंसते जा रहे हैं और इसलिए ये बीड़ी सिगरेट जुआ और गांव गांव में लगातार ये चीजें बढ़ती जा रही है, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र विकल्प है जो किसी भी क्षेत्र का या किसी गांव का या किसी देश का विकास कर सकता है। सिर्फ आप अपने नेताओं से दो चीजें तो कम से कम मांग सकते हैं, आप एक शिक्षा के केंद्र खोलिए और दूसरा आप स्वास्थ्य की सेवाएं दीजिए, दो चीजें तो ये दे सकते हैं। 5 या 10 साल में ये लोग बनते हैं तो इतना तो आप उनसे मांग सकते हैं, लेकिन नहीं मांगते आप। लेकिन मैं आपके बीच में आया हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, ना मुझे आपका वोट चाहिए, ना आपका चंदा चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, ना आपका एक रुपया चाहिए, सिर्फ मैं आपके बीच में आया हूं तो एक दिन आपको उठकर जागना होगा। अभी बांधेर में करके आया हूं, उससे पहले सतोहा, उससे पहले कर्णवार, उससे पहले राजघाट, उससे पहले गोसमी, उससे पहले हीरापुर, उससे पहले धर्मपुर, उससे पहले गोविंदपुर चौकी, हनुमान चौराहा, इतनी जगह पर जा रहा हूं, अपना पेट्रोल फूक रहा हूं, समय दे रहा हूं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूं, एमटेक किया है, ये बच्चे बैठे हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाता था, लेकिन उसके बाद अब क्षेत्र में घूम रहा हूं सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं आने वाली पीढ़ी की आंखों में आंखें डालकर ये कह सकूं कि जब आपका भविष्य दांव पर था तो मैं हर गांव, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर जाकर के चीख रहा था, चिल्ला रहा था, आपके लिए लड़ रहा था, इसलिए मैं ये जिम्मेदारी से उनकी आंखों में आंखें डालकर ये कह सकूं। लेकिन क्या आप लोग कह सकोगे अपने बच्चों से कि हम आपके शिक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाए, हम नेताओं से सवाल तक नहीं पूछ पाए? क्या आप कह सकते हैं? आपका बच्चा आपके आंखों के सामने बुरी संगतों में फंसेगा तो क्या आप उनको रोक पाएंगे? नहीं रोक सकते। और सिर्फ एक ही कारण है, वो है शिक्षा। शिक्षा के लिए आप लड़िए अपने नेताओं से, यदि आपके पास वोट मांगने हैं तो उनसे सवाल पूछिए, शिक्षा के लिए काम कीजिए, आप हमारे क्षेत्र में बच्चों के भविष्य के लिए काम कीजिए, अच्छे अस्पताल बनाइए। ये 100 सैया का बेड ये भीमपुर पर यदि खुला हुआ है तो उसमें इलाज मिलना चाहिए और कब ये इलाज मिलेगा हमें? 100 सैया का बेड है, उसमें मैं घूम के आया हूँ, यदि उसमें इलाज मिलने लग जाए तो आपके इस क्षेत्र के लोगों का पैसा भी बचेगा और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। लेकिन अस्पताल खुला हुआ है, आप जाएंगे रेफर कर दिया जाएगा या फिर चिनोरी की तरह गोलियां दे दी जाएंगी, ये बुखार की है, ये सर्दी की है, ये जुकाम की है, बस। और इसके अलावा यदि आपको बता दें कि मुझे डेंगू हो गया है तो अलीगढ़ चले जाइए, पृथ्वीराज चले जाइए, मेडिकल चले जाइए, बस यही रास्ता वो लोग बता देते हैं। और एक और बता रहा हूं, किसान लोग हैं सुनने वाले, हमारे क्षेत्र में अनाज मंडी है, अनाज मंडी है, आप सभी जाकर के अनाज वहीं पर
बेचते हैं। कभी आपने सोचा इस क्षेत्र में इस अनाज मंडी के दायरे को बढ़ाकर फल और सब्जी मंडी और दूध मंडी में परिवर्तित किया जाए? यदि ऐसा होता है तो यहाँ से दूध भी अच्छा बिकेगा, आपके यहाँ से सब्जी भी और आपके यहाँ से फल भी इस अनाज मंडी में जा सकता है और उसका आपको लाभ होगा। लेकिन इनके पास ऐसा कोई भी ऐसा नक्शा नहीं है कि क्षेत्र के विकास के लिए हम क्या करें, बस वोट मांगते हैं जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर या रिश्तेदारी के नाम पर और दारू के नाम पर, इसके अलावा वोट नहीं मांगते। बस सवाल पूछिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और आपने मुझे इतने प्यार से इतने सम्मान से सुना, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक बार विचार कीजिए और एक बार मनन कीजिए आने वाली पीढ़ी के लिए। कम से कम उठकर खड़े हुई और सवाल पूछिए और जागरूक बनिए। और यही मेरा अभियान है कि गांव-गांव से जिस दिन लोग जागरूक होंगे, सवाल पूछेंगे, उस दिन हमारे क्षेत्र में विकास होगा। उस दिन मुझे पढ़ाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उस दिन मुझे पढ़ने के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उस दिन हमारे क्षेत्र से क्रिकेटर भी बनेंगे, बैडमिंटन के खिलाड़ी भी बनेंगे, कुश्ती के पहलवान भी बनेंगे, तीरंदाज भी बनेंगे। जिस दिन हमारे क्षेत्र से IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जिस दिन हमारे क्षेत्र में अच्छी शिक्षा हो जाएगी। बस इन्हीं बातों के साथ में विराम देता हूं। और आखिरी सवाल, यदि मैं आवाज उठाता रहूं तो आप लोग मेरा साथ देंगे? एक बार हाथ उठाकर बताइए, साथ देंगे। एक बार जोर से बोलो, भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।